हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। बात करने वाले हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पे। अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब केवल आप 10वीं पास हैं, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स आईटीआई हैं, यानी मतलब अगर आपने आईटीआई भी किया हुआ है, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है कई अलग अलग जो है पद पे जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जाने के कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें कोई आपको जो एग्जाम नहीं होता है, ना ही आपको फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी देना होगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स स्टार्ट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन का डेट है 16 जुलाई से स्टार्ट है और 5 अगस्त तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें जो है अलग अलग, मतलब जो है अलग अलग पोस्ट है, टोटल जो है 249 अप्रेंटिसशिप यहाँ पे लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्स आईटीआई, जिनके पास आईटीआई है, उनके लिए 163 पोस्ट पे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। और उसके बाद से यहाँ पे जो फ्रेशर है, देखिए यहाँ पे फ्रेशर के लिए बोला गया ट्रेड अप्रेंटिसशिप फ्रेशर जो केवल 10वीं पास है, वनली, देखिए यहाँ पे बोला गया वनली कैंडिडेट शुड है पास 10th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो ग्रेजुएट हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, तो उनके लिए यहाँ पे अलग से पोस्ट यहाँ पे 16 रखे गए हैं। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे अलग से है, तो मतलब सबके लिए यहाँ पे मौका मिलने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। आपके जो मैट्रिक में मार्क्स हैं, जो आपके ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आईटीआई के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, जो भी बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जितना ज्यादा आपका परसेंटेज होगा, तो आपका चांस है यहाँ पे सिलेक्शन होने का। मेरिट बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पूरी प्रक्रिया समझेंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये इसका जो ऑनलाइन का पोर्टल है, आप यहाँ से जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट्स क्लिक हियर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, टेक्नीशियन, ग्रेजुएट और फ्रेशर, आईटीआई, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, एचआर ट्रेनिंग, तो सबका यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जो है बताना चाहूंगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जो है सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ लेते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स आईटीआई के लिए अगर बोला जाए तो यहाँ पे जो है इतने तरह के जो है डिजिग्नेटेड ट्रेड है, और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फीटर की ट्रेड है, और प्लेसमेंट कहाँ होगा, कोलकाता एंड रांची का है। देखिए ये आप समझिए थोड़ा सा आपको, मतलब इस कंपनी के बारे में, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, जो है शिप बनाने का काम करती है, जो पानी वाला जहाज होता है ना, वही ये बनाती है। और भारत सरकार का एक उपक्रम, मतलब ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी आती है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आपके साथ हो सकती है, अगर आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन होता है तो बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रेनिंग मिलता है। ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, ट्रेनिंग आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए 12 मंथ का ट्रेनिंग बोला गया है, और इसमें जो आपको स्टाइपन भी मिलते हैं कुछ समय पीरियड के लिए, जितना दिन आप ट्रेनिंग करेंगे। तो और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, आपको मैं डायरेक्टली नीचे दिखाता हूँ सैलरी वगैरह के बारे में, ताकि आपको समझ में आए। देखिए ऑफर एज में आपको छूट मिलेगा, आपका उम्र में जो है छूट मिलता है। और यहाँ पे भी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका मिनिमम उम्र 14 वर्ष रखा जाता है, मैक्सिमम उम्र जो है यहाँ पे 25-26 ऐसे करके रखा जाता है, किसी किसी में 20 रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो लोग फ्रेशर हैं, फ्रेशर के लिए 14 मिनिमम है और मैक्सिमम 20 रखा गया है। तो उम्र भी बहुत ही कम आपका रखा जाता है इसमें, अगर आप बहुत ही 18 कंप्लीट नहीं है, 16-17 है, 14 है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इसमें प्रॉफिट होता है। यहाँ पे सैलरी देखिए बोला गया, स्टाइपन आपको दिया जाएगा वो यहाँ पे फ्रेशर के लिए बोला जाएगा फर्स्ट ईयर में 6000, सेकेंड ईयर में 6600 रुपये, और एक्स आईटीआई को यहाँ पे 7000 आपको एंड या 7700 आपको मिलेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जो यहाँ पे 15000 मिलेगा, टेक्नीशियन के लिए 10000-9000 यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो ये आपको एक तरह से स्टाइपन मिलती है, आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। इसका प्रॉफिट क्या होगा आपको, जैसे मान लीजिए आप एक साल का ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको काफी सारे नॉलेज हो जाएंगे, और आपको उसी फील्ड में जब भी जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको छूट मिल जाता है काफी ज्यादा। या मान लीजिए रेलवे में वैकेंसी है या और कहीं वैकेंसी आती है, तो कभी कभी बोलता है कि अप्रेंटिसशिप अगर आप किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, तो अप्रेंटिसशिप में यही आपका प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फिर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप बता देते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आएंगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को आप चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया।
और यहीं पे आपको देखिए फ्रेशर कैंडिडेट्स क्लिक हियर, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो भी आपके मार्कशीट पे है 10वीं क्लास के, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ आपको बताना है कि आप एक्स आईटीआई है, मतलब आईटीआई के साथ आपने करा है, या फ्रेशर है मतलब 10वीं केवल पास है, ग्रेजुएशन किए हैं, टेक्नीशियन है, जो भी आप अपने बताएंगे। ईमेल आईडी लिखेंगे और एट द रेट के बाद जो ऑप्शन आता है वो यहाँ लिखेंगे। मैं बताए तो कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा जो ईमेल आईडी है dshelping@gmail.com, तो मैं dshelping यहाँ लिख दिया और एट द रेट के बाद जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी आप यहाँ से आप चूज करेंगे, ठीक है। और फिर अदर डोमेन स्पेसिफाई, अगर कुछ और डोमेन है इसमें से तो अदर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से उसी ईमेल आईडी को पूरा अच्छे से लिखेंगे कन्फर्म करके, इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड एक बताना है, जो भी आपका पासवर्ड याद रहे आपको उस तरह से पासवर्ड, जो मिनिमम 4 करेक्टर, मैक्सिमम आप जितना लिख दे पासवर्ड। तो मैं एक जो है यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेता हूँ जो हमें याद रहेगा। फिर पूछ रहा है कि हैव यू रीड अंडर अंडरस्टूड एंड गाइडलाइंस, आपने जो है सभी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी आप अच्छे से पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़ लिए। आप यहाँ पे यस कर देंगे, हाँ आपने पढ़ लिया है, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे फॉर्म को सबमिट करेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और एक जो है एक्नोलमेंट आपको सेंड कर दिया गया इस मेल आईडी पे, और बोला है यू मे नाउ लॉग इन यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आपको यहाँ पे प्रोसेस टू लॉग इन करना है और यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो बनाया था वो लिख देते हैं, और किस पोस्ट पे अप्लाई किए थे उसको आप चूज करेंगे, सबमिट करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है डायरेक्टली लॉग इन हो जाते हैं। लॉग इन होने के बाद से यहाँ पे आपको जो है फिल अप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपका शो हो रहा है मिस्टर या एम एक्स जो है आप चूज करेंगे, प्रीफिक्स लगा लेंगे अपना। और यहाँ पे आपको अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे देना होगा। अप्रेंटिसशिप फ्रेंड्स आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सभी कैंडिडेट्स को करना होगा ये। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लिक करेंगे तो अप्रेंटिसशिप का जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल जाती है और आप जो है अप्रेंटिसशिप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी जानकारी को भर देना है और जो भी इसका एनरोलमेंट नंबर होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो अप्रेंटिसशिप आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यहाँ पे आप जो है एनरोलमेंट नंबर जरूर भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि च्वाइस ट्रेड, आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं, फिटर, वेल्डर, ये आपको जो है 5 च्वाइस जो है अपने अकॉर्डिंग जो है चूज करनी है। तो जो फ्रेशर के लिए यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है वही ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जो भी च्वाइस चूज करना चाहते हैं चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि च्वाइस ऑफ प्लेसमेंट अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपको कहाँ मिलेगा ये, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा ये आपको बतानी है। तो एक ही है यहाँ पे कोलकाता फ्रेशर के लिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा, जेंडर बताएंगे मेल है या फीमेल है। उसको से फादर नेम आपको बताना है, फादर नेम मिस्टर लगा के यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस को फिल करना है, जैसे यहाँ पे आपका एड्रेस क्या है अच्छे से लिखेंगे, सिटी यहाँ बताएंगे, राज्य का नाम बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, यहाँ पे अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते दे सकते हैं वरना यहाँ पे छोड़ देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन बतानी है, हिंदू मुस्लिम क्या है, कैटेगरी बताएंगे आप जनरल हैं या ओबीसी हैं या SC ST है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है या क्रीमिलियर है, जो भी कैटेगरी यहाँ पे बताएंगे। EWS यहाँ पे नहीं आएगा, आप विकलांग है तो यस करेंगे और अपनी विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं है तो यहाँ पे सिंपल नो कर देंगे। नेशनलिटी आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको 10वीं क्लास की जानकारी बतानी है, आपका यहाँ पे जो है 10th है या माध्यमिका है, तो 10th चूज करेंगे। बोर्ड का नाम बताएंगे, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, आपका पासिंग ईयर क्या है 10वीं क्लास का, यहाँ पे जो है देख रहे हैं कैलेंडर ओपन हो रहा है। यहाँ पे बताना है ग्रेड वाला सिस्टम है, ग्रेड वाला है तो आपको परसेंटेज जो है इंटर इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज आपको यहाँ पे बतानी है। ग्रेड नहीं है, मार्क्स है तो सिंपल मार्क्स चूज करेंगे और कितना आपको मिला हुआ है यहाँ पे आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपको मिला 380 नंबर, मैक्सिमम 500 का होता है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। इज योर फादर मदर प्रेजेंटली वर्किंग इन GRSE, अगर आपके माता पिता GRSE में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, और उनका डेजिग्नेशन नाम, डेजिग्नेशन, पर्सन नंबर और यहाँ पे डिपार्टमेंट, नहीं करते हैं तो सिंपल यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव पर्सनल पार्टिकुलर्स पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे आपका पर्सनल डिटेल्स जो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद देखिए यहाँ पे पहला कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना जो है फोटोग्राफ को चूज करेंगे। सिंपल है फोटोग्राफ अपलोड करना, सिंपल, देखिए मैं यहाँ पे चूज कर लिया, ओपन करेंगे यहाँ पे तो फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रीन वाले पे तो आपका फोटोग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको जो है चूज सर्टिफिकेट, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है, तो उस जगह पे आप 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपको फाइनल मार्कशीट ऑफ 10वीं क्लास का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है।
यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बोला गया है कि अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो अपना जो जाति सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करनी है। तो बारी बारी से मैं सबको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से शो हो रहा है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं क्लिक करके, आप होम पे आप आ जाएंगे। होम पे आने के बाद से देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपलोड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इसका आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शायद प्लीज सेलेक्ट योर स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी जो है यहाँ पे जो है तो अपलोड हो चुका है, बट यहाँ पे देखते हैं एक बार प्रीव्यू पे क्लिक, क्लिक ऑन द प्रीव्यू, प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं एक बार होम पे आता हूँ, फिर से देखता हूँ क्या ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे प्रीव्यू है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन इज ओनली फॉर फैसिलिटी कैंडिडेट्स विद अ चेक, ओके। अब आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर लेना है कि जो भी आपने जानकारी फिल किया है वो आपने सब चीज सही सही फिल किया कि नहीं फिल किया। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं प्रिंट का भी ऑप्शन है, आप प्रिंट पे भी क्लिक करके देख सकते हैं और सब चीज़ सही है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। होम पे आ जाएंगे, होम पे आने के बाद से सबमिट एप्लीकेशन पे ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे जो है अंडरटेकिंग यस कर देना है और यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसेस यस करना है और सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे आप जो है प्रिंट कर लेंगे या आप चाहे तो होम पे भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ प्रिंट करके होम पे आ जाते हैं। जैसे आप होम पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। दोबारा से प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है गार्डन रीच सीप बिल्डर्स का फॉर्म को अप्लाई करना है। आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा फॉर्म फिलअप का, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी फ्रेंड्स आप जो है नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।